हाय, वेलकम बैक। जब बात आती है पेट्स के ऊपर, अपने अलावा मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं? सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि किसके ऊपर मैं भरोसा करूं जो मेरे अलावा पेट को भी उसके ऊपर ट्रस्ट हो। सो डॉक्टर प्रियंका, आपका क्या मानना है इस चीज़ में? सर, आई थिंक पेट अपनी फैमिली मेंबर्स पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बिकॉज वो 24 आवर्स फ्रॉम द डे वन वो अपने पेट फैमिली के साथ रहता है। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, आई थिंक हाउस हेल्प, मेट्स, वॉक डॉग वॉकर्स जो उनको ले कर जाते हैं, दे ट्रस्ट मोर। सो दीज आर द आपको लगता नहीं कि हम फैमिली मेंबर्स पेट घर में तभी आता है जब घर में सब पेट को प्यार करते हैं, तो ऑब्वियस है कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है एक दूसरे में। लेकिन मैंने ये रिसेंटली भी प्रैक्टिस में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, देखते काफ़ी लोग अपने पेट्स को ट्रीटमेंट के लिए भी अपनी ड्राइवर के साथ या हेल्प के साथ या किसी के साथ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, कुछ एक लोग ड्राइवर के साथ ही भेज देते हैं। अब वो ड्राइवर भैया कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, वो प्यार करते हैं तो सबको जानते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा आके बारे में उसके बारे में बताएंगे, कंसर्न होंगे। कुछ एक खाली ड्राइव करेंगे, मेड के साथ आता है या किसी के साथ आता है, हेल्प के साथ आता है, वो बेचारी उनका एक्सप्लेन करती हैं। बट मेरा मानना ये है कि पेट पेरेंट्स को ज़्यादा लाइक करता है, तो हर समय पेरेंट जितना उसके साथ समय बिताएं वो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी बिजी लाइफ में उतना नहीं होता। तो आप जब भी किसी हेल्प को भी हायर करें तो सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए, आपके घर में पेट है तो भाई क्या आप पेट से प्यार करते हैं? बिकॉज पेट अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कोई भी चीज़ उसके साथ या तो भौंकेगा या काटेगा या कुछ ना कुछ आपस में अनबन रहेगी। और फिर ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में क्या होता है कि जब आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो आप भी उसको पसंद नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ आज उसके साथ मिसबिहेव करेंगे या यू विल इल ट्रीट हिम, ऑल दिस थिंग्स इज स्टार्ट्स हैपनिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं, आप ट्रस्ट उन पर करते हैं लेकिन वो फिजिकली उसके लुक आफ्टर नहीं कर सकते, सिर्फ वो कमांडली लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो बहुत चीज़ों को सोच समझ के हम लोग, मैं हर समय कहता हूँ इफ़ यू हैव टाइम स्पेस मनी एंड ट्रस्ट एंड लव, सो दैट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट और आप पेट को जब ट्रीटमेंट के लिए भी भेजते हैं तो आप उसी को भेजिए जो आपको वो पेट को ढंग से समझता हो, आप उसको ढंग से होल्ड कर ले, उसको प्यार कर ले, उसको कैरी करके प्रॉपर लेके आए, आपको डॉक्टर को ढंग से उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करे। वो तभी एक्सप्लेन कर सकता है जब उसके साथ वो अटैच्ड है और वो उसके बारे में कुछ जानता है, उसका बिहेवियर। कितने तो आते हैं, अरे डॉक्टर साहब इसको ऐसे मत छुए तो ऐसा गुस्सा हो जाएगा, इट मीन्स दे नो कि भाई हम वो उसके साथ अटैच्ड है, उसको पता किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। वो कितनी बार होता है प्रैक्टिस में कि भाई फ्रोशियस हो जाते हैं, हम उन्हीं से बोलते हैं भैया आप ही देखो ना एक बार, और एकदम उनसे काम डाउन हो जाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली एक ट्रस्ट तो है ही, एक ट्रस्ट जो है वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है एक दूसरे का। सो ट्रस्ट दोज पीपल हु कैन बॉन्ड विद योर पेट एंड पेट कैन इक्वली बॉन्ड विद हिम। सो इट्स म्यूचुअल बॉन्डिंग, दैट इज़ वेयर यू कैन ट्रस्ट समवन एंड यू कैन ईजिली गो। नाउ अब हम लोगों की परेशानी क्या होती है, अब सब छुट्टी जा रहे हैं, आप किसी बोर्डिंग कैनल पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? बोर्डिंग कैनल पे जाने के लिए आपको वहाँ पे कितनी बार विजिट करना पड़ेगा, कितनी ही बार वो वहाँ का स्टाफ उतना अच्छा नहीं होता, मिसबिहेव करते हैं, कोई किक करेगा, कोई टाइम से खाना नहीं देगा। सो आप बोर्डिंग कैनल्स भी ऐसे चूज़ करिए जहाँ पर उनको प्यार, उनकी केयर, उनकी दे गेट ऑल दैट थिंग जो उसको घर में चाहिए। बेसिकली द मोर इज ट्रस्ट, लव, केयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप हर चीज़ को चूज़ ऐसे करिए, ट्रस्ट कैसे करेंगे उस कैनल्स पे आप जाके बार जाइए। अगर पेट वापस जाने को वहाँ पे खुश है, व्हेन ही गोज एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग, और आप जब उसको पिकअप करने जाते हैं एंड पेट सेज पुशिंग, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, इट मीन्स यू कैन ट्रस्ट दैट प्लेस एंड इट मीन्स इट्स बीन लव्ड, केयर्ड एंड इट्स ए वर्दी प्लेस टू लीव योर एनिमल व्हेन यू आर अवे। जब हम ट्रस्ट की बात कर रही होती है तो जनरली हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और टाइम ना होने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनर को रखते हैं, डॉग वॉकर को रखते हैं, उसके बिहेवियर के बिहेवियरिस्ट को रखते हैं। सो इन सब चीज़ों में भी एक ट्रस्ट इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप उसको खाना खिलाते वक्त, नहलाते वक्त, कहीं आप इवन ग्रूमिंग सेंटर जा रहे हैं वहाँ पे वहाँ किस तरीके से केयर करते हैं, वहाँ भी आपको ग्रूमर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो ढंग से लुक आफ्टर करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी तरीके से आपके डॉग वॉकर्स हैं, कितने इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर डॉग वॉकर डॉग को लेके चला गया,
लौट के नहीं आया. सो आइडेंटिफिकेशन उनका क्या बोलते हैं, पूरा आपके पास डाटा होना चाहिए. जो डॉग वॉकर है आप उसका ढंग से वो वॉक करें, उनको प्यार करें, उनकी किस चीज़ को नोट करें, उसने पूप कैसा किया, आपको कंप्लेंट करें, सर इसका कोई बीमारी है तो उसके बारे में आके बताएं, उसके बिहेवियर के बारे में बताएं कि सर ये दूसरे मतलब वी शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो ये सब चीज़ें जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट है. आप ट्रस्ट किसी अपना पेट जो आपका लव है आप किसी उसको सौंप रहे हैं टेक केयर करने के लिए, तो दैट शुड बी ट्रस्टेड. सो ट्रस्ट इज समथिंग यू हैव टू विन ओवर यू नो लाइक मोर टाइम यू स्पेंड मोर टाइम एंड मोर ट्रस्ट यू गेट एंड मोर ट्रस्ट यू अर्न. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ डू शेयर विद अस.